नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की, जहां संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन है। आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों की कार्यवाही राहुल गांधी के लंदन वाले हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है और लगातार संसद में हंगामा जारी है। वही हंगामे के बीच लगातार जारी हंगामे में लोकसभा से कुछ मिनटों में ही बिना चर्चा के जम्मू कश्मीर के अनुवाद मांगों से संबंधित बगैर चर्चा के ही पारित करा दिए गए। आपको बता दें कि दोनों सदनों की कार्यवाही 23 मार्च की सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकसभा में जो कार्रवाई है, तो वो स्थगित हो जाती है और लगातार विपक्षी दलों का हंगामा भी देखने को मिलता है। जो है एक तरफ अडानी के पोस्टर को भी संसद के बाहर दिखाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया है, तो संसद में मोदी विरोध और अडानी को लेकर क्रोध भी देखने को मिल रहा है। तो मार्च में ही संसद का जो पारा है वो पूरी तरीके से हाई हो चुका है और संसद में विरोध जबरदस्त देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। प्रश्नकाल का जो समय है वो भी नहीं मिल पा रहा है, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। अडानी मुद्दे को लेकर जो लगातार विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने का काम कर रही हैं, तो वहीं जो सत्ता दल है वो राहुल गांधी के बयान को अभी भी मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोनों सदनों की कार्रवाई 23 मार्च की सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, दोनों सदनों की कार्रवाई 23 मार्च की सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। जी गौरव, देखिए उसका सबसे महत्वपूर्ण बात है, संसद की कार्रवाई नहीं हो रही, कहीं ना कहीं इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जिम्मेदार है। कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि संसद जो महत्वपूर्ण है, प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, सांसद वहां बैठते हैं, वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई दृष्टिकोण नहीं निकल रहा, नीतियों पर चर्चा नहीं हो रही है, योजना पर चर्चा नहीं हुई और जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर केवल लड़ रहे हैं, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। और हम लगातार देख रहे हैं, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, वहां पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस जहां पर इस तरह भाजपा पे अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर हमला कर रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को राहुल गांधी के कैबिनेट मिनिस्टर के दिए गए भाषण को लेकर घेरने प्रयास कर रही है। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो कहती है कि देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, जो देश की महिलाएं है वो असुरक्षित है, तो अब जब सरकार से सवाल पूछने का समय आया तो क्या विपक्षी पार्टियों के पास और कोई मुद्दा नहीं बचता है अडानी के अलावा? देखिए मुस्कान, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दोनों पार्टी अपना अपना उल्लू सीधा कर रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जानते हैं कि राहुल गांधी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में बयान देकर आए, उस बयान के बाद उनको बैकफुट पे आना पड़ेगा, इसे बैकफुट पे ना आना पड़े इसी वो अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रही है। तो बीजेपी जानती है कि अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है, रणनीति बना रहा है, आने वाले समय में 24 चुनाव में मुद्दा हमारे नुकसान में साबित ना हो, इसे बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी वाले बयान पर माफी की मांग कर रही है। तो कुल मिलाकर दोनों मामलों को लेकर भटकाव पैदा कर रहे हैं केवल और केवल यहाँ पर जनता गुमराह किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, संसद की कार्रवाई ना होना स्पष्ट करता है गरीबों के मुद्दे, जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? अच्छा गौरव, जनता टैक्स देती है, उसी वजह से संसद की सारी कार्रवाई चलती है। एक तो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है, ऊपर से जो जनता के विकास के मुद्दे हैं उस पर भी बात नहीं हो पा रही है, तो कब तक आखिर संसद का ये हाल चलेगा? देखिए संसद में सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर सत्ता पक्ष से कोई बात नहीं कर रहा है तो विपक्ष को भी यहाँ पर गतिरोध खत्म करना पड़ेगा, बात करनी होगी। और जिस तरह से आप मांग रखिए, आप जेपीसी की मांग रखिए, पर सदन की कार्रवाई को लगातार चलते रहना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, जब 2004 में मनमोहन सिंह सरकार थी, उसके बाद 14 सरकार रही है, 10 साल यहाँ पर कांग्रेस सरकार रही, उसकी सरकार के समय में आपको बता दूं कि विपक्ष की भूमिका होती थी, वो बीजेपी बहुत अच्छी भूमिका निभाती थी। अगर हम बात करें स्मृति ईरानी, तो सिलेंडर के रेट बढ़ने पर सिलेंडर लेकर रोड पर बैठ जाती थी, आलू और प्याज की माला पहने जाती थी और लगातार विपक्ष अपनी भूमिका निभाता, पर यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाते कांग्रेस नजर नहीं आ रही।
रही है और इसीलिए गठबंधन बना हुआ कांग्रेस पर बात करनी पड़ेगी। आप जेपीसी की मांग करें या अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी की मांग करें या उसके खुलासे की बात करें, पर यहाँ पर संसद की कार्रवाई होने दे। राज्यसभा और लोकसभा में अगर संसद की कार्रवाई नहीं हो रही है, स्थगित होती है, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ विश्वासघात है और अपनी पार्टी के लिए भी एक आधार जो उनका गौरव। लेकिन जब कोर्ट की तरफ से एक कमेटी का गठन कर दिया गया है इस मामले की जांच के लिए, तो आखिर इस प्रदर्शन की वजह क्या है? क्यों विपक्षी पार्टियां जो संसद का सत्र नहीं चलने दे रही, आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां इस तरीके से कार्रवाई को स्थगित करवाती है लगातार? देखिए मुस्कान, जेपीसी की मांग वहां पर हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग जो है वो केवल इसमें नहीं है, अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर मांग है। इसके अलावा तमाम मुद्दे ऐसे हैं वो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी वाले बयान पर जिस तरह से बीजेपी घेर रही है, कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने मीटिंग में बुलाई थी, वहां पर भी विपक्षी लोग नहीं गए थे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जानबूझ किस तरह के गतिरोध पैदा कर रहा है और संसद की कार्रवाई को होने से रोक रहा है। अगर आप मांग करते, मांग करना अलग बात है, कोई गतिरोध करते मामला अलग बात है, मुद्दा है वो अलग बात है, पर संसद की कार्रवाई को स्थगित कराना, संसद में बवाल मचाना, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गरिमा को खराब भी करता है और भारतीय लोकतंत्र की गरिमा जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर इस तरह की कार्रवाई स्थगित होना, कहीं ना कहीं जनता का विश्वासघात भी, और साथ साथ जो जनता है वो भी समझ रही है कि यहाँ पर हमारी जनता के प्रतिनिधि किस तरह काम कर रहे हैं और केवल यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है आम जनता को। गौरव, आपने जैसे कि बताया कि पहले भी इस तरीके से कार्रवाई स्थगित होती थी, लेकिन प्रश्नकाल का समय जरूर चलता था, लेकिन लगातार जब से 23 मार्च से ये कार्रवाई शुरू हुई है, आज लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो स्थगित ही होती जा रही है, तो आखिर कब तक ये चलेगा? गौरव, जनता के मुद्दे आखिर कहाँ जाएंगे? जनता क्योंकि अपने प्रतिनिधियों को ही वहां भेजती है कि वो उनके मुद्दों को उठाएंगे, उनके विकास पर बात करेंगे, लेकिन वहां तो जो सभी पार्टियां हैं वो अपना उल्लू सीधा करने में लगी हैं। बिल्कुल मुस्कान, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को छिपाने प्रयास कर रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी अपने आप को बताने प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस वहां पर राहुल गांधी वाले बयान पर बताने प्रयास कर रही है। फिलहाल यहाँ विश्वासघात, यहाँ घातक जनता के लिए है, अगर संसद की गरिमा यहाँ पर खराब होती है, लगातार स्थगित होती है, तो प्रश्नकाल पे कैसे बात होगी, योजनाओं पर बात कैसी होगी, गरीबों के मुद्दे पर बात कैसी होगी, जनता के लिए बात कैसे होगी, ये सभी सबसे बड़ा यश प्रश्न। फिलहाल ये प्रश्न का उत्तर किसी को पता है? 23 मार्च को दोबारा कार्रवाई होगी, उसका 23 मार्च कार्रवाई चलेगी नहीं चलेगी या फिर स्थगित होगी, ये फिलहाल किसको नहीं पता, पर ये बात स्पष्ट है कि जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए आप खड़े नहीं होना चाहते, ना वो जनता के मुद्दे उठाना चाहते, ना जनता की बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोलकाता में हाल में हुई 2 दिवसीय सर्वदलीय बैठक के बाद पार्टी की मशीनरी को सक्रिय बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वहीं भाजपा को शिकस्त देने के लिए सॉफ्ट हिंदू का भी सहारा लिया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 की सियासी जंग में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि इन सीटों पर पार्टी की ओर से मैनपुरी में अपनाए गए चुनाव प्रबंधन को लागू करने की तैयारी है। में 50 सीटें जीतने का सपा सुप्रीमो ने लक्ष्य रखा है। आपको बताते चले कि लोकसभा के चुनाव में 80 सीटें यूपी की होती हैं, ऐसे में जो 50 सीटें जीतने का लक्ष्य सपा सुप्रीमो द्वारा रखा गया है, और ओबीसी और दलित बैंक पर सपा की निगाहें भी टिकी हुई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सपा ने गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगाने की एक बड़ी मुहिम तैयार की है, और कौन कौन सी तैयारियां सपा की तरफ से की जा रही है जनता को रिझाने के लिए? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से आम चुनाव में अभी ज्यादा समय शेष नहीं है, तो सभी राजनीतिक पार्टी जो है वो लगातार अपनी रणनीति मजबूत करते हुए आम चुनाव के लिए कूच करना चाहती है, और उसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों ही कोलकाता में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। वहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। तो लगातार जो है जो देश के अन्य क्षेत्रीय दल है वो सामने आ रहे हैं और तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बकायदा ये भी कहा था कि कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस
आज कमजोर है, इसी लिहाज से बीजेपी आज सत्ता में दो बार लौट के आई है। वहीं जो नई रणनीति की बात की जा रही है उसे गांव में जन चौपाल लगाने की बात की जा रही है, और जिस तरीके से जिस चुनाव प्रबंधन ने मैनपुरी में इतना बेहतर प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड वोटों से डिंपल यादव वहां से जीत की आई, उसी चुनाव प्रबंधन के लिहाज से जो है आने वाले लोकसभा के चुनाव को देख रही है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के जितने भी विंग है, चाहे वो यूथ विंग हो, चाहे कार्यकारिणी का दल हो या कार्यकारिणी की सदस्य हो, ये सभी जो है अप्रैल तक गठित कर लिए जाएंगे और सबको जो है अपनी जिम्मेदारी बता दी जाएगी कि किस जिम्मेदारी के साथ सबको जो है समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ना है। उस हिसाब से जो 80 लोकसभा सीटें हैं मिशन 50 को लेकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल, अखिलेश यादव द्वारा सभी कार्यकर्ताओं और विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि वो गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगाए, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से होगी और कहाँ से शुरुआत होगी? देखिए, अप्रैल माह में जब सभी टीमें गठित कर ली जाएंगी, सभी यूथ विंग को उनका काम बता दिया जाएगा, बकायदा यूथ विंग को सभी को एक जिम्मेदार व्यक्ति को भूमिका देकर तैयार की जाएगी, उसके बाद जन चौपाल की बारी जो आएगी, अलग अलग यूथ विंग के लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, और जिस तरीके से RLD के साथ जो है समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, हमने देखा था कि किस तरीके से जो उपचुनाव हुए थे वो तीन जगहों पे, वहां ये गठबंधन ने पूरी प्रक्रिया लगाई थी, अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, और विधानसभा चुनाव में RLD ने सपा के साथ लड़ा था, तो RLD को साथ लेकर चलना सभा की मजबूरी भी है, क्योंकि पश्चिम में उसको जो बेस भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में अपना बनाया है किसान आंदोलन के बाद भी, उसको उसके कार्ड के लिए RLD को अपने साथ रखना जरूरी है। और इस तरह से देखा था कि जयंत चौधरी ने इस विधानसभा उपचुनाव में खटौली में खुद जाके जो है लोगों से संपर्क किया था, डोर टू डोर अभियान चलाया था, उसी अभियान से इंस्पिरेशन लेके समाजवादी पार्टी भी लगातार ये कदम उठाने जा रही है। तो यानी कि ये कहा जाए कि जिस तरीके से मैनपुरी का जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया था, शायद उसी तरीके से 2024 के भी चुनावी मैदान में उतरेगी सपा, क्या लगता है विवेक? जी बिल्कुल, मैनपुरी में जो चुनाव प्रबंधन था, इसके पहले अगर हमने देखा था कि उपचुनाव के पहले तक जब वोटिंग तक नहीं हुई थी, लगातार समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि सरकार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, वोटरों को वोट नहीं डालने दे रही है, लेकिन मैनपुरी में उसने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, और खतौली से भी मदन भैया चुन के आए थे। इसके बाद जिस चुनाव प्रबंधन ने मैनपुरी का पूरा इंतजाम देखा था, वही चुनाव प्रबंधन लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनाया जाएगा, और जिस तरीके से पिछले 20 सालों में सपा ने लोकसभा चुनाव से लेकर जहां पे ज्यादा सीटें जीती हैं, जहां पे ज्यादा सीटें पिछले 20 सालों में जीती है, उस पर समाजवादी पार्टी का फोकस ज्यादा रहेगा, ताकि जो मजबूत गढ़ पिछले 20 सालों में रहे हैं वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के कब्जे से निकलते रहे, उन पे पकड़ बनाई जाए, और बाकी में धीरे धीरे समाजवादी पार्टी अपने जन अभियान के द्वारा, चौपाल के द्वारा लोगों को जागरूक करने की एक प्रक्रिया बनाए, एक कार्यक्रम चलाए, जिसके तहत जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, जिस तरीके के काम चल रही है, जो नीतियां केंद्र सरकार की उसको बताया जाए, जो गलत नीतियां केंद्र सरकार की उसको बताया जाए, महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठाया जाए, अंबानी के मुद्दे पर सवाल उठाया जाए, ताकि लोगों को यह पता चले कि एक तीसरा मोर्चा भी है जो देश में एक नया विकल्प दे रहा है जनता को। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब यार यहाँ नहीं है, दो ही लोग है ना। तो वोट बैंक पर सपा की निगाहें, और जिस लोकसभा चुनाव में यूपी की तरफ से 80 सीटें जाती है, वहां 50 सीटें जीतने का लक्ष्य सपा सुप्रीमो द्वारा रखा गया है, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि दिल्ली का रास्ता है यूपी की राजनीति से होकर जाता है, ऐसे में तमाम विपक्षी दलों के लिए यूपी कितना अहम है हम इस बात से अंदाजा भी लगा सकते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम यानी कि न्यू पेंशन स्कीम की, जिस पर लगातार विवाद हो रहा है और राजनीति पार्टियां इस पर अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। चुनाव में वोट बैंक के लिए राजनेता इसे भुनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, हालांकि कुछ जगह पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी कर दिया है और कई OPS को बहाल करने के वादे भी किए जा चुके हैं। हमारा संविधान बना, आज ये धरना NJCA के बैनर तले, एकमात्र डिमांड पुरानी पेंशन को समाप्त कर नई पेंशन नीति लागू किया जाए। देखिए, NJCA के बैनर तले
दिल्ली में 21 जनवरी को एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें सारा केंद्र सरकार के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी, शिक्षक संघ, राज्य कर्मचारी संघ, पूरे देश का एक बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ और उसमें साल भर के आंदोलन का कार्यक्रम निश्चित हो गया है। और इसमें ये उसी कार्यक्रम के तहत आज पूरे देश के हर जिले में मुख्यालयों पर ये धरना दिया जा रहा है। वहीं इस खबर पर विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहाली को लेकर हम हमारे सहयोगी से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि लगातार जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो सभी केंद्र और राज्य के कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीमों को एक बार फिर से बहाल किया है, तो वहीं यूपी में भी अब इस मांग को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पुरानी पेंशन धारक लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसे फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि 2004 में नई पेंशन व्यवस्था को लागू किया गया था, जबकि 2009 में इस पेंशन व्यवस्था में आम नागरिकों को भी शामिल किया गया था, जिसके बाद से ही लगातार ये मांग उठ रही थी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को एक बार फिर से बहाल किया जाए। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लखनऊ में इस वक्त एक दिवसीय धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और पुरानी पेंशन व्यवस्था जो बहाली है उसकी मांग को लेकर अब सभी प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी, चाहे वो केंद्र के हो और चाहे वो फिर राज्य के ही हो, लगातार वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई में भी जुटी हुई है। तो वहीं बरेली जिला जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के गुर्गे लल्ला गद्दी को पुलिस ने दबोच लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चार गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे शूटर जो फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मौके पर पहुंचे थे, उनका खुलासा करते हुए उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी सफलता भी हासिल की है। नहीं, हमको नहीं बताना। आप लोग उन सबको जाते हैं ना, जानते हैं ना कि किसका घर अभी किसका लगा है ना, उसमें जाके देखिए। अभी पर्ची लगी थी उसमें माता जी, इसमें आखिर नहीं, हम नहीं, आपसे हम बता दिए ना कि हम नहीं जानते कब से रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, ये नहीं जानते हम। कब नोटिस का ये भी नहीं हम जानते। अभी चले आए हैं, मेरा तबीयत वैसे भी नहीं सही रहता, हम आके बैठ गए, बस हम अपने घर में पड़े रहते हैं, बूढ़ा बुढ़ापा हमसे कोई मतलब नहीं। जानकारी हमें पूछ रही भैया, उनसे कभी मुलाकात हुई? इधर वो आए थे, यहाँ रह रहे थे, कब से मुलाकात नहीं हुई? 3-4 साल पहले। कब से यहाँ कोई नहीं रह रहा? ताला बंद है घर। मुलाकात कभी कदार होते तो ताला बंद है, तो आए होंगे, ताला वाला बंद करेंगे घर वाले, कोई और बंद करेगा। पाल हत्याकांड में लगातार नए फुटेज सामने आ रहे हैं, लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक बड़ा और अहम सवाल यह है कि अभी भी पुलिस जो है वो मुख्य आरोपियों से कोसों दूर है। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए फुटेज सामने आ रहे हैं, वही जांच एजेंसियों को भी इस दौरान एक बड़ी सफलता मिली है, जहां अशरफ का करीबी लल्ला गद्दी गिरफ्तार किया गया है, जिसके फुटेज भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, लल्ला गद्दी की गिरफ्तारी की हमने तस्वीरें देखी, लेकिन जो पुलिस है वो इस बात को कहीं ना कहीं नकार रही है कि गिरफ्तारी नहीं की गई है। अगर बीते रात की बात की जाए तो अशरफ का करीबी कहे जाने वाला लल्ला गद्दी को बरेली से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन लल्ला गद्दी की गिरफ्तारी को लेकर किसी भी अधिकारी ने इस बयान को सार्वजनिक नहीं किया गया है,
कि लल्ला गद्दी को कब और कहां से किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उसे किस तरीके की पूछताछ की जा रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो पुलिस की तमाम टीमें हैं जो लगातार आरोपियों के तलाश में प्रयागराज सहित कई अन्य जनपदों में लगातार दबिश दे रही है और अलग अलग स्थानों से करीब 50 से अधिक लोगों को उठाया गया है और पुलिस की टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन पवन, ये अभी तक का बड़ा हत्याकांड साल 2023 का माना जा रहा है, ऐसे में पुलिस छोटे छोटे गुर्गों को गिरफ्तार कर रही है, बड़े गुर्गों तक अभी तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं और लगातार इस सवाल को लेकर अब यूपी की कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने बड़े हत्याकांड को दिन दहाड़े अंजाम दिया जाता है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। जी बिल्कुल, अगर पूरे घटना की बात की जाए तो बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उस पूरे घटना के दौरान पुलिस द्वारा करीब 13 आरोपियों को नामजद किया गया है और 6-7 ऐसे बड़े चेहरे सामने थे जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखे गए थे। लेकिन अगर पूरे घटना की बात की जाए और पूरे कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस सहित एसटीएफ की तमाम टीमें इस पूरे खुलासा के लिए लगी हुई है। लेकिन अगर पूरे आरोपियों की बात की जाए तो जितने भी अभी तक बड़े चेहरे और जितने भी बड़े आरोपी उस पूरे घटना में शामिल थे वो अभी तक पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। हालांकि पूरे कार्रवाई पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार आरोपियों को पकड़ने की बातें तो सामने आ रही है लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो भी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। अगर घटना की बात की जाए तो घटना को लेकर पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा तमाम ऐसे आरोपी है जिनके नाम सामने आए थे उनके घरों पर गश्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। अगर आज की बात की जाए तो पूरे घटना में शामिल मुख्य आरोपी गुड्डू बमबास के घर पर भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जब्त की गई है। और नोटिस में पवन, जिस तरीके से आपने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल जो भी गुर्गे हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो पुलिस है उनकी इस कार्रवाई से, जो एलडीएस उन सभी की कार्रवाई से जो गुर्गे हैं उनके तो हौसले टूटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई खुद से चल के तो सरेंडर करने मुख्य आरोपी सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज को छोड़ के कई अन्य प्रदेशों की बात की जाए या अन्य जनपद की बात की जाए तो कई ऐसी खबरें सामने आई थी जहां पर जो आरोपी है वो तमाम थानों पर उन्होंने जो है पूरी तरीके से सरेंडर किया है और उसकी तस्वीरें भी कई जगह से देखने को मिली है। लेकिन अगर प्रयागराज की बात की जाए तो इतने बड़े हत्याकांड को लेकर पूरी तरीके से प्रयागराज पुलिस और तमाम जो पुलिस की जांच एजेंसियां हैं या जो यूपीएससीएफ की बात की जाए तो हाथ पूरी तरीके से खाली है क्योंकि इस पूरे घटना में शामिल करीब जो 13 आरोपी है वो अभी तक जो मुख्य रूप से आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। हालांकि पुलिस की टीमों की बात की जाए तो पुलिस की टीमें लगातार दावा कर रही है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है और इस दौरान अगर बात की जाए तो कई ऐसे फुटेज सामने आए हैं, जो फुटेज को देखा जाए तो तमाम ऐसे जो तस्वीरें देखने को मिली है कि उमेश पाल को किस तरीके से दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली और बम मारा गया है, किस तरीके से सिपाही घायल हुए हैं और किस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम है इसका अंजाम दिया गया है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो अतीक एंड कंपनी पर इस पूरे घटनाक्रम का आरोप लगा है और अतीक की बात की जाए तो अतीक हत्या लूट तमाम ऐसी बड़ी घटनाओं को लेकर गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो अतीक अहमद का भाई अशरफ जो बरेली जेल में बंद है उसके ऊपर इस घटना का षड्यंत्र करने का भी आरोप है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि इतने बड़े हत्याकांड में शामिल जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर कैसे है। हालांकि पुलिस की टीम लगातार इस पूरे मामले को खुलासा करने के लिए लगी हुई है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लल्ला गद्दी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी फुटेज भी हमने देखी, लेकिन पुलिस जो है वो गिरफ्तारी के बाद मानने को तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या सामने आ रही है कि आखिर पुलिस ये बात बताना क्यों नहीं चाहती है कि अभी तक कितनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है या कितने लोग अभी उनकी और रडार पे हैं? बिल्कुल, अगर देखिए इस बात की अगर बात की जाए तो बीती रात को जब लल्ला गद्दी को गिरफ्तार किया गया उसकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया सहित कई ऐसे टीवी चैनलों पर भी देखने को मिली है। जब उसमें देखा जा रहा है कि लल्ला गद्दी को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की टीमें भी उसमें दिख रही है, लेकिन जैसा कि आपका सवाल है कि आखिर अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे हैं तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साधी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ दिनों पहले पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि इस पूरे घटना को लेकर तमाम ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि इनका ऑपरेशन वो प्रभावित होगा। लेकिन जब इस तरह के घटनाक्रम में और इतने बड़े आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है और वो किस तरीके का आरोपी है, उसमें क्या आरोप है और किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है, निश्चित रूप से इसको सार्वजनिक करना चाहिए क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पूरे घटना को लेकर
तरह तरह की बातें करते हैं और निश्चित रूप से लोगों के जो सवाल है उसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। जी भवन, इस खबर की पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अशरफ का करीबी लल्ला कदी एक तरफ गिरफ्तार हो चुका है, उसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि उसने लल्ला गद्दी को गिरफ्तार किया है। तो इस हत्याकांड में लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, नए फुटेज सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी कब गिरफ्तार होगा, मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई कब की जाएगी। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।